मौजूद है बी जे आर स्टेडियम अटवर नंबर काफी कुमार में, जो कि है 25th वाइस प्रेसिडेंट का फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पे। तो आज है फाइनल के दिन, आज हम फाइनल के क्लोजिंग का मैच आप सबको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे जितना अच्छा हो सके इस मोबाइल पर, क्योंकि उतना क्लियरली रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है मोबाइल पे। तो बने रहे साथ में और देखते रहिए व्लॉग, थैंक यू और सपोर्ट करते रहना। बहुत चिंता की बात है और जरूर हम आशा करेंगे कि आगे हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि महाराज श्रीमती ज्योति कुमारी आईएएस बार अंडमान निकोबार में स्थित है ये बीजेआर स्टेडियम कमाल कहानीवार। तो आप देख सकते हैं यहाँ के क्राउड किस तरह से उमड़ पड़े हैं यहाँ पे, लेफ्ट साइड पे देख बहुत ही ज़्यादा क्राउड है आज फाइनल के, सारा देश आज देखेंगे हम लोग फाइनल। दो बार के डिफेंडिंग चैंपियन है बोपलर और अपने खिताब को बरकरार रखने के लिए एक बैटल फील्ड में गेंद के साथ करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक। मजा आएगा हाई वोल्टेज मैच के बात करते हैं। प्रयास
सामने चमकती समझती नजर आ रही है। पर
Thank you.
लेकिन इस सिलसिला इस प्रतियोगिता का यही चलता रहेगा वाइस प्रेसिडेंट का। तो वहां प्रतीक बढ़िया हेडर आता हुआ प्रतीक का, लेकिन फ्रांसिस उन्होंने मैच के अंतिम लम्हात में एक पेनल्टी शूट खेला और उसको गोल में कन्वर्ट किया। चलिए टीम में बता दी गए 25 साल का सपना है आपका। फॉर्मेशन अगर देखें वाली फॉर्मेशन में है और टीम ओनर ये इनकी रीति है कि अगर एक गोल दाग लेते हैं तो उसके बाद पक्षी खेलने के ऊपर हमला बोलते हैं। वो हर बार काफी तेजी से बॉल के ऊपर जाते हुए सीधा अल्पाप की तरफ बॉल के आते हुए सामने हमें सांगा जाते हुए जी यहाँ पे बनाने का प्रयास लगातार जारी है टीम इंडिया के द्वारा। यस एक गोल करने के लिए मात्र 40 सेकंड की जरूरत होती है, 40 सेकंड से भी स्कोर होते हुए हमने देखे। फ्री किक मिलेगी टीम होटल मात्रिक तौर पर कम मिले ऑन फ्रांसिस और फ्री किक डालते हुए बढ़िया फ्री किक निकले ऑन फ्रांसिस की तरफ से। वहां पे मौके ढूंढेंगे टीम होटल दूसरे ब्रेक बिल्कुल मिला नहीं एक महीने से वो चारों और दीपक जी और मैं एक महीने से घसल हुए और कुछ नसीबी हमारी क्या खेल के ताबू रहे नेशनल होटल में बहुत अच्छी है भाई का कॉर्नर किक डालते हुए और पेनल्टी एरिया के अंदर तो बॉल आई जरूर है लेकिन लेवन फ्रांसिस वहां पे मौजूद है। अभय सांगा इस तरफ से टैकल आता हुआ बढ़िया तरीके से बॉल को निकालने में कामयाब होते हुए थ्रू बॉल भी आते हुए वहां पे और जो दर्शक देर से स्टेडियम में आए उनको बता दें मुकाबले का गोल गोल पर कंप्लीट कर पाएंगे टीम पूर्ण है 1-0 से आगे लेकिन ये ऑन टारगेट गई दूरी में खड़े रहने की जगह बना के दे रहे हैं उनके बैरिकेड्स लगा के तीन खिलाड़ी खड़े हैं सामने ब्लॉक करते हुए और यहाँ पे हाथी की तरफ दूसरा गोल अपना काट पाए और इस बार जो आए हैं लगातार तीसरा कॉर्नर किक है तीसरा कॉर्नर किक फिर से बढ़िया हेड आया बॉल वापस आते हुए क्योंकि जॉयटिन के पास जॉयटिन से बचा टीम का कोट है कुछ जगह का दबाव बना रहे हैं बना ही जगह दो बार के डिफेंडिंग चैंपियन है टीम कोट है ट्रांसफर है और भाई जो वहां पर पास आया था हासिल के लिए
ताली पा शूटिंग लाते हुए मिडफील्ड में की बढ़िया सलाहियां दिखा रहे हैं यहाँ पे खिलाड़ी टीम बलीगंज के प्रतीकराज के लिए बॉल मायदा तो पढ़ पाना बहुत मुश्किल है अपना था बॉल के ऊपर आते हुए वन मैन टू वन मैन आपने मिडफील्ड पोजीशन से एक बॉल लेने का बहुत अच्छे प्लेयर का ये कंट्रोल है स्किल है खिलाड़ी के पास से और पासेस शूटिंग है सही से ले नहीं पाए आवेद बनता हुआ जो बॉल खिलाए हैं कप्तान मौके ढूंढते हुए हिंदुस्तान ने कप्तान अली का और इस खिलाड़ी पे जोर कर लिया रूपा लेकर के हिस्ट्री में नाम दर्ज करवाएंगे अपने सुनहरे अक्षरों में और आप यहाँ पे अलता प्रतीक और यह कंट्रोल रखने में काम यहाँ बोलते हैं प्रतीक ड्रिबलिंग आते हुए अलताप ड्रिबलिंग में जीतते हुए आप यहाँ पे अलता दरअसल बॉलिंग है माइका एक खिलाड़ी को बॉल किया माइका बॉल लेकर निकलते हैं